महिला तांत्रिक ने दावा किया कि एक घर में 600 करोड़ का खजाना है और 10 लुटेरे हथियार लेकर घर में डाका डालने पहुंच गए। यहां बंदूक की नोक पर परिवार को बंधक बनाए रखा। सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगने वाली ये कहानी हकीकत है। जयपुर में महिला तांत्रिक के कहने पर 10 लुटेरे 600 करोड़ का खजाना लूटने चले गए। दरअसल धावास निवासी यादव राम और टोंक निवासी रामेश्वर के बीच प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था। यादव राम ने इस मामले में FIR दर्ज कराई। रामेश्वर ने इसका बदला लेने के लिए उसकी तांत्रिक बहन शीबा बानो को बात बताई। तांत्रिक ने रामेश्वर को बताया कि वो जिस शख्स की बात कर रहा है उसके मकान में 600 करोड़ रुपए का खजाना छिपा है। खजाना लूटने के लिए 10 बदमाश रात 2 बजे घर पहुंच गए। तुम चिल्लाए ना तो वो दोनों के बेड पे चढ़ गए और बोले कि है ना चुप हो जाओ नहीं तो हम ना गन चला देंगे आपके ऊपर। घर वालों को बंधक बनाकर बदमाश खजाना ढूंढने लगे। उस बेड की भी छानबीन की जिसमें 600 करोड़ होने का दावा किया गया था। मारपीट करिया तो भाई ऐसा बोला बंदूक लगा दिया चारू के बंदूक लगा दिया तो मैं घबरा गया जोरदार। फिर भाई बोला कि चुपचाप आप दे दो। मैं क्या का है ही नहीं मारू तुम मारो आप मार देगा तो भी कुछ ही नहीं मिलेगा न मारला तो भी कुछ ही नहीं मिलेगा मेरे पास सही नहीं तो मैं दू कहाँ से। बदमाशों को जब पैसे नहीं मिले तो घर का कुछ सामान और गहने लेकर फरार हो गए। कुछ नहीं मिला तो उनमें से जो आदमी खड़ा था जिसके पास सरिया था तो उसने कहा कि इनको खत्म कर दो इनकी गोली निकाल दो। तो ये बात सुन के हमें तो पता था भाई हमारी तो जिंदगी लास्ट है प्रभु को बजरे तो और कर भी क्या सकते थे हम। तो अचानक ही एक चमत्कार हुआ कि हमारे पड़ोस वाले जग गए। जैसे ही उनको इस बात का भास हुआ उनके पसीना आ गया और वो बाहर भाग गए। घर में 600 करोड़ का खजाना बताने वाली तांत्रिक और उसका दोस्त सुनील भी इस घर में पहुंचे थे और चोरी छिपे पूरे मकान के वीडियो बना लिए। इस वारदात के लिए यूपी के शूटर तक बुलाए गए। पुलिस ने वारदात के बाद CCTV फुटेज खंगाले। शक के आधार पर रामेश्वर को हिरासत में लिया जिसके बाद 4 दिन में 15 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। दैनिक भास्कर के लिए जयपुर से विक्रम सिंह सोलंकी की रिपोर्ट।